हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटनिंग मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 वीडियोस डिस्कस करे हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स टर्म्स हैं, मैनेजमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं लास्ट 3 वीडियोज़ में। उन तीनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडे सेशन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या बताते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, कि वो एक्टिविटीज़ जो कि एक मैनेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जितने भी एक्टिविटीज़ एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है वो सब हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस का पार्ट हैं। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है? सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और यही हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। तो हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बेसिकली डिटरमाइन करना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, अपने जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट करे हैं उनको अचीव करने के लिए अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करना प्लानिंग कहा जाता है। इन एडवांस में प्लानिंग करना कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट एक्शन इज़ टू बी टेकन, कैसे करना है, हाउ, क्यों करना है, व्हाई एंड व्हेन, कब करना है, कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है और क्या करना है, ये सारे डिसीजंस हम प्लानिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। अब ये सारे डिसीजंस लेने के बाद हमें जो हमारे बाकी के फंक्शंस हैं मैनेजमेंट का, उसका हमें बेस मिल जाता है। हमें ये पता चल गया ना हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और अब कब करना है। उसके बाद हमें इन सारे के सारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनका हमें बेस मिल गया। तो बेसिकली हमें क्या पता चल गया कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है और जो हमें फ्यूचर में अचीव करना है उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिजिंग करने का काम हमारी प्लानिंग का होता है, ठीक है। हम अभी कहाँ हैं और हमें क्या अचीव करना है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक जो एक गैप है वो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, वो जो एक पूरा प्रोसेस है वो हमारी प्लानिंग का होता है, ठीक है। अब हमने प्लानिंग कर ली, अब उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो भी हमने डिसाइड करा कि हमें ये करना है, तो अब हमें उसे कैसे करना है, तो सबसे पहले हम पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। हम उनको कन्वीनियंट टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं, और फिर जब हमारे टास्क डिवाइड हो गए उसके अंदर हम अलग अलग टास्क की ग्रुपिंग करके उसमें पोजीशंस बनाते हैं, फिर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अब हमने पोजीशंस डिसाइड कर ली, हमने डिपार्टमेंट्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद हम काम को वहाँ पे एलोकेट करते हैं, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी की किस पोजीशन पे हमें कौन सी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है। तो प्रॉपर काम को डिवाइड करना वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, कौन सा काम किसको करना है, कौन किसको ऑथराइज़ करेगा या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स बिल्ट होते हैं एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो सब होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, कि कौन सा काम
क्या करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसके पास अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। उसके बाद हम करते हैं स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग के अंदर हम करते हैं रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना। अब हमें पता चल गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस ये पोजीशंस हैं, हमें इन इन पोजीशंस पर हमें रिक्रूट करना है। तो रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमारी स्टाफिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एचआर मैनेजमेंट और द ओवरऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो स्टाफिंग है वो हमारे मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार करना है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार करने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, एक एचआर स्पेशलिस्ट की। वो हमें एचआर डिपार्टमेंट में मिलेगा, लेकिन जो पूरा का पूरा ये काम है वो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ये एक मैनेजर का ही फंक्शन है स्टाफिंग करना। इट इज़ नॉट अ पार्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ एच आर फंक्शन, लेकिन हम एच आर स्पेशलिस्ट की हेल्प से अपने इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे उन्हें काम को करना है, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं। सबसे पहले अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ क्या क्या हैं, हमने उनको रिक्रूट कर दिया, अब हमें उन्हें आगे बताना है। तो हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ सबसे पहले कम्युनिकेट करेंगे कि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। एक बार वो चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर हम कॉन्टिन्यूसली उनको मोटिवेट करेंगे, लीड करेंगे फॉर बेटर परफॉर्मेंस और फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब डायरेक्टिंग हो गया, अब हमें करनी है कंट्रोलिंग। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में अब सारी चीज़ें हो गई, अब हमारे हाथ में रिजल्ट्स आ गए, हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हमने सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया कौन कैसे कैसे क्या क्या करेगा। उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट करा, सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने उनको काम कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमने सारी चीज़ें करके उनसे काम करवाया। अब हमारे हाथ में आ गया है रिज़ल्ट, तो अब हम उस रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे थे कि हाँ हमें ये अचीव करना है, और अब जो हमने अचीव किया हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हमने एक्चुअल में वो चीज़ अचीव करी है या कुछ डेविएशंस आए हैं। अगर एक्चुअल में हमने वो चीज़ करी है दैट मीन्स हमने अपने रिजल्ट्स अचीव करे हैं, लेकिन अगर डेविएशंस आए हैं तो उन डेविएशंस के क्या रीज़न रहे हैं, हमने इससे पहले जितनी भी स्टेजेस क्रॉस करी हैं वहाँ पे हमारी क्या क्या कमियाँ रही हैं, उन चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। फिर करेक्टिव एक्शन निकालेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारी कमियाँ रही उनको हमें कैसे इम्प्रूव करना है। और फिर से कंट्रोलिंग करने के बाद यहाँ पे हमारी फिर से प्लानिंग की स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई हमारे ये डेविएशंस आ गए हैं, अब उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उनको ठीक करना है, कौन से करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं, तो फिर से हमें प्लानिंग करेगी। तो फिर से हम कहाँ पे आ जाएंगे, प्लानिंग पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर मोशन में फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के ये चलते रहते हैं। सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, फिर जो रिजल्ट निकल कर आया फिर से हम वापस से फिर प्लानिंग के स्टेज पर आ जाते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये हमारे यूनिवर्सल हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ये फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने पड़ते हैं। हमें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी और कंट्रोलिंग भी। और एक और चीज़, ये जो जितने भी हमारे पांचों फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे है, आपस में ही एक दूसरे के अंदर है।
ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें प्लानिंग भी करनी है. ऐसे ही सेम जब हम डायरेक्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमें कैसे कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, कौन कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने हैं. तो हमें प्लानिंग करी, लेकिन हम बाकी के जो स्टेप्स हैं उनमें हम फिर से प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शंस हैं आपस में एक दूसरे के अंदर हैं. हमें स्टाफिंग के अंदर भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर से जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग करेंगे तो भी हमें कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ेगा, और जब हम वापस से कंट्रोलिंग के स्टेज पर आते हैं तो वहाँ पे भी हमें प्लान करना ही पड़ता है. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक meet you all in the next video with again a very interesting topic. And if you like my video, my content, then please do like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you and have a nice day.